तो सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो ऐसी स्टोरी सुनिए कि क्या था उत्तर प्रदेश, पहले क्या था और अब क्या है। तो उत्तर प्रदेश पहले उत्तर प्रदेश नहीं था, उत्तर प्रदेश कुछ राज्यों से, कुछ बहुत डायनेस्टी ने इस जगह पर रूल किया है, या ये एक समय मगध एम्पायर का भी पार्ट था, सम्राट अशोका ने भी इसे अपने पूरे उसमें लिया था, राज्य में मिला रखा था, यहाँ तक जीता था सम्राट अशोका ने, तो यहाँ अफगानिस्तान के पार तक जीता हुआ था, मतलब जो सम्राट अशोका का राज्य था वो बहुत वाइड था, उन्होंने मतलब विस्तार बहुत आगे तक किया था विस्तार। तो ये उसका अशोका एम्पायर का यानी मगध एम्पायर का भी पार्ट रहा है, उसके बाद बहुत डायनेस्टी रही, गुप्ता एम्पायर का सेंटर रहा है ये। और अगर हम बहुत बहुत पीछे जाएं कि हम बिल्कुल महाभारत टाइम से भी देखें ना, तो महाभारत में भी यही केंद्र रहा था महाभारत का, क्योंकि यहाँ पे हस्तिनापुर बहुत इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जगह जो है वो यही पर थी, केंद्र थी। और राम मंदिर के जिक्र के साथ साथ भगवान राम का भी बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस रहा है, क्योंकि वो यही उनका बर्थ प्लेस रहा, और यही जो उत्तर प्रदेश है उसमें मुख्य जो स्थान है जैसे चित्रकूट वगैरह वो भी बहुत धार्मिक जो है हमारी महत्व रखते हैं। उसके बाद अगर हम इधर की तरफ आते हैं तो वैदिक पीरियड में जो आर्यन आके बसे थे, जिन आर्यों का हम खून है, मतलब हम सब आर्यन ही हैं, हम सब हैं आर्यन ही, हम आपको आइडेंटिफाई रिलीजन वाइज कर देते हैं कि नहीं ये पर्टिकुलर पर्सन मुस्लिम है, ये पर्टिकुलर पर्सन, लेकिन इंडिया में जो मुस्लिम्स है ना वो भी आर्यन ही है, वो कोई और नहीं है, बिकॉज वो लोग वो है जो भारत में रहते हुए जिन्होंने इस्लाम धर्म अपनाया, या जिन्होंने क्रिश्चियन धर्म जो है अपनाया भारत में रहते हुए, तो हम सब आर्यन है। तो आर्यंस जो थे सेंट्रल एशिया से जब आए थे तो वो इसी गंगा यमुना दोआब में आकर रहे थे, तो उत्तर प्रदेश ही गंगा यमुना दोआब का जो है इम्पोर्टेंट वो रहा है। अब बात करते हैं जो ब्रिटिशर्स, उससे पहले फिर मुगल पीरियड का ये सेंटर रहा, क्योंकि आगरा इसमें राजधानी रही, मुगल्स की राजधानी रही, बहुत फला फूला उत्तर प्रदेश उस समय। फिर ये बाद में मुगल्स डेक्लाइन हो गए तो ये नवाबों का जो एरिया था लखनऊ वाला, तो ये अवध कहलाता था, इसे अवध कहते थे, तो उत्तर प्रदेश को पुराने समय में अवध कहते थे, इस रीजन को अवध कहते थे। फिर जब ब्रिटिशर्स ने इस पे आके कब्जा कर लिया तो ब्रिटिशर्स ने इसे ब्रिटिशर्स को क्या था उनसे ना, उनके यहाँ पे बहुत छोटी छोटी यूरोपियन कंट्रीज है, उनकी गलती खुद को कुछ नहीं है, क्योंकि उनको इतना बड़ा रीजन रूल करना आता ही नहीं था, तो उन्होंने क्या किया इनको फिर प्रोविंसी में डिवाइड कर दिया। प्रोविंसी मतलब जैसा आज के समय में हमारे राज्य हैं, ऐसे इन्होंने बनाया कि इसे प्रोविंसी डिवाइड करके उनको एक एक सबका गवर्नर अपना नियुक्त करके उन्होंने कर दिया। तो पता है उसमें क्या करते थे ये, इन्होंने जैसे कि मैंने बताया था बंगाल विभाजन में ये कह रहे थे कि बंगाल बहुत बड़ा है हमसे रूल नहीं हो रहा, ये बात सच थी, उनसे रूल भी नहीं हो रहा था, रूल मतलब कि इतना बड़ा था उनसे मैनेज नहीं हो पा रहा था बंगाल। तो बंगाल विभाजन के दो कारण थे, एक तो डिवाइडर रूल और एक ये रूल नहीं हो रहा था। सेम ऐसे ही उत्तर प्रदेश को भी इन्होंने क्या किया प्रोवेंसी में डिवाइड कर दिया, उससे पहले सबसे पहले जब ये बना था उत्तर प्रदेश, तो ये 1 अप्रैल को इसका इन्होंने क्या कर दिया था, इसका नाम रखा था यूनाइटेड प्रोवेंसी, तभी से इसे हम यूपी कहते हैं, यूपी तभी से पड़ा, यूपी इसलिए नहीं उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश बाद में पड़ा है, पहले ये लोग इसे यूनाइटेड प्रोवेंसी यूपी कहते थे। तो ये प्रोवेंसी कैसे थी कि जैसे कि अगर हम इंडिया की पोजीशन देखेंगे तो यहाँ पर बीच में है ये, यहाँ सेंट्रल प्रोविंसी से कहते थे मध्य प्रदेश को, और ये यहाँ पर है हमारा उत्तर प्रदेश, इसे कहते थे ये यूपी, तो तब इसका नाम पड़ा था यूपी, कब 1 अप्रैल 1937 में। फिर उसके बाद आजादी हो गई, आजादी के बाद इसका फिर से नाम बदला गया 26 जनवरी 1950 को, याद रखना कि नाम कब बदला गया था, ये भी 26 जनवरी को ही बदला गया था, और फिर इसका नाम कर दिया था उत्तर प्रदेश। तो ये इसकी छोटी सी मतलब बहुत बड़ी हिस्ट्री है, बस छोटे से समय में बता दी। राजधानी आपको पता ही है लखनऊ है, लखनऊ शुरू से इसकी राजधानी रही है, क्योंकि बाद में ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर अपने एस्टैब्लिश कर लिए थे हेडक्वार्टर, तो फिर बाद में भी लखनऊ को ही राजधानी रखा। गवर्नर देखिए प्रेजेंट में आनंदीबेन पटेल हैं, और प्रेजेंट में 2019 में ये नियुक्त हुई थी, और 2019 से अभी तक ये हुई है, 5 साल बाद फिर से कोई बदलेगा, फिर नई गवर्नर आएंगी, तो अभी तो यही है आनंदीबेन पटेल। तो मुख्यमंत्री सभी को पता है योगी आदित्यनाथ, बट किसी को उप मुख्यमंत्री नहीं पता होंगे तो याद रखना है अभी फिलहाल में कौन है, केशव प्रसाद मौर्य तो वो है ही,
उसके साथ अब जो है ब्रिजेश पाठक है, दो उप मुख्यमंत्री हमारे यहाँ नियुक्त है यूपी में। औपचारिक भाषा आपको पता ही है हिंदी है, हमारी औपचारिक भाषा हिंदी है। हिंदी के अलावा हमारे राज्य में और भी भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे कि उर्दू बोला जाता है, उर्दू जो ये लखनऊ वाले एरिया है यहाँ पर उर्दू भी बोली जाती है, और बुंदेली भी बोली जाती है, बुंदेलखंड वाले एरिया में बुंदेली भी बोली जाती है, जो पार्ट हमारा बिहार से लगता है वहां पर भोजपुरी भी बोली जाती है। आप उस साइड चले जाएंगे तो भाषा बदल जाएगी, उस साइड जाते जाते पूर्वांचल तक जाते जाते भाषा बदल जाती है, तो उर्दू भी बोली जाती है, बुंदेली भी बोली जाती है, भोजपुरी भी बोली जाती है। तो औपचारिक भाषा हिंदी हो गई। क्षेत्र अगर हम देखें तो क्षेत्र जो है ये है इसका 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि हमारा जो राज्य है ये चौथा सबसे बड़ा राज्य है। पहला कौन सा है? राजस्थान। राजस्थान के बाद कौन होगा? राजस्थान के बाद महाराष्ट्र ही है शायद। राजस्थान, ठीक है, सबसे बड़ा राजस्थान। उसके बाद कौन है? मध्य प्रदेश। उससे महाराष्ट्र, और थर्ड पे कौन है? महाराष्ट्र। मतलब देखो आपको सिर्फ नंबर ऐसे याद नहीं रखने की 1 2 3, आपको सिर्फ ये याद रखना कि ये चार राज्य यूपी से बड़े हैं, वो ये तीन राज्य यूपी से बड़े हैं, और यूपी जो है चौथा राज्य है जो सबसे बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। मतलब ये मैंने क्षेत्र लिख दिया, इसमें आप इसको लिख लेना क्षेत्रफल। क्षेत्रफल मतलब एरिया, एरिया के हिसाब से कितना बड़ा है, तो एरिया के हिसाब से इतना बड़ा है, और पॉपुलेशन के हिसाब से देखो तो पॉपुलेशन के हिसाब से ये सबसे बड़ा है। सबसे अधिक जो जनसंख्या है तकरीबन 20 करोड़, इसे 20 करोड़ ही पढ़ना, 20 करोड़ ऐसे फिगर मैंने इसलिए दिए क्योंकि ऐसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी 20 करोड़, और 20 करोड़ ये उतनी ही जनसंख्या है जितनी अकेले पाकिस्तान की जनसंख्या। तो पाकिस्तान, हमारा यूपी पाकिस्तान के बराबर, मतलब पाकिस्तान यूपी के बराबर, तो पाकिस्तान में 20 करोड़ है और हमारे अकेले यूपी में 20 करोड़, तो ये उतनी ही है जितनी पाकिस्तान की जनसंख्या, 20 करोड़। जनसंख्या घनत्व, तो जनसंख्या घनत्व क्या होता है, जैसे कि कितने एरिया पे कितने स्क्वायर मीटर में कितने लोग रह रहे हैं, ये देखा जाता है जनसंख्या घनत्व। मतलब पॉपुलेशन तो इतनी है बट कितने स्क्वायर में कितने लोग रह रहे हैं ये निकाला जाता है पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से। तो हमारे यहाँ पे 829 है, और सबसे ज्यादा किसकी होगी जनसंख्या घनत्व, किसका है सबसे ज्यादा? यहाँ पे मैं आपको बताऊं, यहाँ पे अराउंड 1100 लोग एक स्क्वायर किलोमीटर में रह रहे हैं। 1100 लोग मतलब पर स्क्वायर किलोमीटर, पर मतलब एक स्क्वायर में 1100 लोग रह रहे हैं। तो दिल्ली का जो जनसंख्या घनत्व है वो बहुत ज्यादा है, तभी तो आपने देखा होगा बहुत कंजंक्शन है दिल्ली में, जमीन इस एरिया में दिल्ली में कई सौ परिवार आ जाएंगे, यहाँ फिर ऊपर एक और ऊपर 3 मंजिला में कई सौ परिवार आ जाएंगे इतने एरिया में, जितने एरिया में हमारी सिर्फ क्लास है। तो वहां जनसंख्या घनत्व इतना ज्यादा है, कितना 1100 के करीब, और सबसे अधिक घनत्व है दिल्ली का। लिंगानुपात की बात करते हैं, चलिए सेक्स रेशियो। तो लिंगानुपात क्या है कि कितने मेल पर कितनी फीमेल है, यानी वो निकाला जाता है ना कि कितने मेल हैं और कितनी फीमेल है, कितने मेल पर कितनी फीमेल है। तो हमारे यहाँ पे जो लिंगानुपात है वो ज्यादा खराब तो नहीं है, 912 1000 पुरुष पर, यानी कि 912 पर 1000, ऐसे याद रखते हैं 912 पर 1000। तो ऐसे कभी पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है, तो 912, 912 लड़कियां पर बॉयज पर 1000 बॉयज पर, इस तरह से निकाला जाता है। तो ये लिंगानुपात है हमारे यहाँ का। साक्षरता दर देखी जाए, लिटरेसी रेट अगर देखा जाए तो लिटरेसी रेट ठीक ठाक है, पर ज्यादा वो नहीं है कि बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया जाए। 69.72 है, लेकिन सबसे ज्यादा केरल का है। इसमें हम क्यों कंपैरिजन, लिटरेसी रेट मतलब कितने लोग पढ़े हुए हैं, हाँ एजुकेटेड वन कितने हैं, एजुकेटेड हाँ, लिटरेसी मतलब किनको पढ़ना लिखना आता है। तो केरल में ये रेशियो जो है 97 पॉइंट समथिंग है परसेंट, मतलब इतने लोग प्रतिशत लोग वहां के पढ़े लिखे हैं, केरल का सबसे अधिक है भारत में। और हमारे यहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश का 69.72 है, और महिलाओं की अगर बात करें तो 59.26 है, यानी कि यहाँ पे 59% है, और यहाँ पर ये सिर्फ कितना है 79%। तो
ये है 7924। पुरुष के लिए 7924 यानी कि पुरुष ज्यादा पढ़े लिखे हैं एज कम्पेयर टू महिला। तो ये हमारे यहाँ का था, तो इसमें इसमें सेक्शुअल अब हाई कोर्ट की अगर बात करें तो मैंने बताया कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हर एक राज्य को एक हाई कोर्ट प्रोवाइड कराता है, हर एक राज्य का एक हाई कोर्ट होगा। कौन से आर्टिकल के तहत होगा ये? 215 से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाते हैं? 226। ये कॉन्स्टिट्यूशन भी साथ साथ लेके चलो, 200 आर्टिकल 215 से 226, 226 से भी ज्यादा है वैसे, इतना याद रखना, 215 से स्टार्ट है। तो हाई कोर्ट हमारा इलाहाबाद है, इलाहाबाद ही है, स्टार्टिंग से यहीं पे इस्टेब्लिश हुआ हुआ था। जनपद कितने हैं, जिले कितने हैं? 75 जिले हैं। और नगर और कस्बों की अगर हम बात करें, टाउन या सिटीज, तो 915 टाउन या सिटीज हैं। विकास खंड होते हैं 822। विकास खंड तो आपने सुना होगा, जैसे हमारे जो मुरादनगर है, मुरादनगर के नाम के आगे डेवलपमेंट विकास खंड मुरादनगर लगता है ना, आपने सुना होगा। उसमें जब आप इसके किसी ऑफिस में जाओगे जहाँ पे मुरादनगर का काम होता होगा, तो वहां पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा रहता है विकास खंड मुरादनगर। तो ये डेवलपमेंटल ब्लॉक्स बनाए गए, ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है डिस्ट्रिक्ट को। हाँ, डिस्ट्रिक्ट्स को, हाँ, डेवलपमेंट करने के लिए ब्लॉक में डिवाइड किया हुआ है। वही जो ब्लॉक है उनको हम कहते हैं विकास खंड। जैसे कि आपने सुना हो विकास खंड राजापुर, ऐसे इस तरह से नाम होता है ना, विकास खंड राजापुर, राजापुर ब्लॉक। तो वो जो ब्लॉक वर्ड है वो यही है। हाँ, वो खंड इसी उसी को कहते हैं विकास खंड। तो और नगर निगम की अगर हम बात करें तो कितने हमारे टोटल? 17। तो नगर निगम हर जगह नहीं है, ये भी याद रखना। आप ये सोचे कि नगर निगम हर जिले में है, तो हर जिले में नगर निगम नहीं है। नगर निगम गाजियाबाद है, नगर निगम मेरठ है, लेकिन नगर निगम बुलंदशहर नहीं है, है ना। तो इस तरह से आप ध्यान रखना कि सिर्फ 17 है नगर निगम, नगर निगम हर जिले में नहीं है, मतलब एवरी डिस्ट्रिक्ट में कुछ ऐसा नहीं है कि नगर निगम, सिर्फ 17 है। तो वो आप फाइंड आउट कर लीजिएगा कि गाजियाबाद और मेरठ के अलावा और कितने नगर निगम बचे। गाजियाबाद और मेरठ तो हमें पता ही है। हाँ जी, तो वो जो 15 बचे उनको देख लेना एक बार कि वो कौन कौन है, पर ऐसा कुछ पूछा नहीं जाएगा, वो मैं सिर्फ वैसे ही बता रही हूँ। उत्तर प्रदेश से लोकसभा में कुल कितने सदस्य, तो हमारे यहाँ से लोकसभा में कितने हैं, मोदी जी को कितने एमपी मिले हैं हमारे यहाँ से, तो वो है 80। और राज्यसभा में कितने नियुक्त होके गए यहाँ से? 31। तो हर राज्य से पॉपुलेशन के रेशियो के हिसाब से राज्यसभा में जाते हैं नॉमिनेट होके, और लोकसभा में डायरेक्ट इलेक्शन होता है, जैसे कि अब फिर से होगा, है ना। हो सकता है फिर से ये फिगर चेंज हो जाए, 80 से ज्यादा भी हो सकते हैं, है ना। लोकसभा में और सीट जीत जाए मोदी जी उत्तर प्रदेश से, तो ये हो सकता है। विधानसभा में कितने हैं हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश के? 404 है, और विधान परिषद में 100 है। ये बदलते रहते हैं, जैसे कि अब आने वाले टाइम में इलेक्शन होने लगे विधानसभा के, तो फिर बदल जाएगी तस्वीर। राज्य पशु याद रखना है बिल्कुल, बारहसिंगा, बारहसिंगा इसका राज्य पशु है। और राज्य पक्षी कौन है? सारस या क्रेन। सारस देखी है, उड़ती हुई तो देखी होगी, सारस जा रही है, तो सारस जो है ये काफी बड़ा पक्षी होता है, ये हमारा राज्य पक्षी है। अब इसमें एक और था राज्य, वो था वृक्ष, राज्य वृक्ष, राज्य वृक्ष बरगद नहीं है, पलाश है। मैं एक बार उसको आप लोगों को कंफर्म कर दूं, पलाश है जहां तक मुझे याद है, पर मैं कंफर्म कर दूं, अशोका। हाँ, मैंने पढ़ा था वो, मुझे पलाश याद आ रहा है, पर अशोका है ना। स्टेट जो वो है पेड़ या वृक्ष, ये उसके हिसाब से किया जाता है कि उसका उस एरिया में एक तो वो उगता कितना है और उसका सिग्निफिकेंस कितना है। एक तो अशोका जो है हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा मिलेगा आपको इसी एरिया में, इसी बेल्ट में, यूपी वाली में, और उसके साथ साथ अशोका का बहुत सिग्निफिकेंस है क्योंकि इसके जो पत्तियां हैं वो पूजा में भी यूज होती है ना। जो वो बनाते हैं ना बंधन बार, जो बाहर लटकाते हैं घर के बाहर, लोग जो लटकाते हैं, आम की पत्तियों का बनता है और किसका बनता है? अशोका की पत्तियों का बनता है। तो एक तो धार्मिक भी महत्व है इसका, और उसके साथ साथ इसका जो है इकोलॉजिकली भी, ज्योग्राफिकली भी डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है यूपी में। तो राज्य वृक्ष ऐसे ही मैंने बता दिया क्योंकि पूछा तो इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी याद होना चाहिए अशोका। मुख्य फसलें आपको पता ही है, हमारे यहाँ धान भी उगता है, गेहूं, बाजरा, जौ, मक्का, उड़द, मूंग और अरहर,
ये मुख्य फसलें हैं, इसके अलावा चीजें उगती हैं, ऐसा नहीं कह रहे हैं, बस हम ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ मुख्य रूप से ये उगाया जाता है। और अरहर तो आप लखनऊ जाइए, आपको वहां पे मेन्यू में यही मिलेगा। जब हम कभी गए थे वहां और किसी चीज की दाल ही नहीं मिली, वहां यही था मेन्यू, दाल कौन सी है, अरहर की दाल है, तो वहां पे यही मिलती है, अरहर बहुत ज्यादा मिलती है उस एरिया में। खनिज की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में खनिज ज्यादा नहीं है, इस वजह से ही हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा हम किस तरफ शिफ्ट है, एग्रीकल्चर कृषि की तरफ। उत्तर प्रदेश में कृषि सबसे ज्यादा होने का कारण यह है, हमारे पास खनिज ही नहीं है, फैक्ट्रीज इतनी बड़ी बड़ी, आयरन की फैक्ट्री हमारे यहाँ पे एक भी नहीं मिलेगी क्योंकि आयरन है ही नहीं हमारे यहाँ। तो हमारे यहाँ क्या है, ज्यादातर चूना पत्थर है, डोलोमाइट, ये भी चूना पत्थर का ही एक प्रकार होता है, सोप स्टोन, सोप स्टोन आपने सुना होगा, सोप स्टोन एक बहुत हल्का सा पत्थर होता है और ये बहुत बहुत चीजों में काम आता है। एक चीज बता रही हूँ मैं, वो आता है ना, एक स्टोन आता है, क्या कहते हैं उसे, जैसे एड़िया होती है, हील्स होती है, उनको घिसने के लिए एक स्टोन आता है, तो वो सोप स्टोन होता है। हाँ, सोप स्टोन, ये स्टोन जो है ये भारी नहीं होता, ये भारी नहीं होता, नहीं वो नहीं, वो तो हम घर में बनाते हैं, ये मिलता है बाजार में, मिलता है पर महंगा मिलता है, लड़कियां ज्यादा इस्तेमाल करती हैं, ठीक है। जिप्सम मैंने कभी देखा नहीं, बट मैं बता रही हूँ, मैंने कहीं तो देखा है जिप्सम, ये वही है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये भी हमारे यहाँ सबसे ज्यादा बनता है, ठीक है। बॉक्साइट, बॉक्साइट है थोड़ा बहुत, और मैगनीज ज्यादा नहीं है, पर ये सब कम है, इसलिए हमारे यहाँ पे कोई भी मेजर आयरन और स्टील की फैक्ट्री नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ ये चीजें है ही नहीं जो हमें चाहिए। नदियां, गंगा, यमुना, गोमती, इनके बारे में हम पढ़ेंगे कल बहुत अच्छे से, कहाँ से निकलती हैं, कहाँ जाती हैं, घाघरा, केन और बेतवा, ये दोनों मध्य प्रदेश से यमुना को ज्वाइन करती है। अब लोकगीत की बात करें तो बिरहा, चिट्टी, कजरी, फाग, रसिया, आल्हा, पूरन भगत, भरतियारी, ये लोकगीत है, यानी कि हमारे यहाँ पे गाए जाने वाले गीत हैं जो महिलाएं ग्रुप में गाती हैं, उन्हें हम लोकगीत कहते हैं। लोक नृत्य, चारकुला, कर्मा, पांडव, पाई नृत्य, थारू, धोबिया राई, सेरा, ये नृत्य अब धीरे धीरे विलुप्ति होते जा रहे हैं क्योंकि बहुत लोग अब इन्हें परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, पर फिर भी ये हमारे लोक नृत्य हैं। और ऐतिहासिक स्थान, चलो ये बताओ, कौशाम्बी क्यों फेमस है, श्रावस्ती क्यों फेमस है, सारनाथ क्यों फेमस है, कुशीनगर, चित्रकूट, लखनऊ, आगरा, झांसी, मेरठ, स्टार्ट करते हैं मेरठ से, क्यों फेमस है, नहीं ऐतिहासिक, हिस्टोरिकली बताओ। देखो, 10 मई 1857 को एक घटना हुई थी, याद आया कुछ, बताया था जो 1857 की क्रांति स्टार्ट हुई थी, वहां पे क्रांति द्वार बने हुए, मेरठ कभी जाओगे, मेरठ को बेसिकली जाना जाता है क्रांति के लिए, तो क्रांति जो स्टार्ट हुई थी ना वो मेरठ से ही स्टार्ट हुई थी, मेरठ से ही लोगों ने नारा दिया था दिल्ली चलो, और वो बहादुर शाह जफर से मिलने के लिए गए थे और उनसे कहा था कि आप ये कमान संभालो इस आंदोलन की, इन्हें बाहर भगाओ। हाँ, यहाँ से क्रांति स्टार्ट हुई, तो मेरठ जो है इसे कहते हैं क्रांति द्वार, क्रांति की जो जगह है वो यही है। झांसी आपको बताइए, झांसी की रानी के लिए फेमस है, ठीक है। और आगरा, मुगलों की राजधानी रहा है आगरा, है ना, बहुत हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस रही है, अरे ताजमहल वहां पर है, आगरा का किला वहां पर है, और जो अकबर की जो कब्र है वो वहां पर है सिकंदरा में, एतमाउद्दौला का मकबरा है वहां पर, एतमाउद्दौला कौन सा पता है, जो जहांगीर था ना उनकी बीवी थी नूरजहां, जो दूसरी उन्होंने शादी की थी, दूसरी शादी की थी, उनके पिता थे, नूरजहां के पिता थे एतमाउद्दौला, और बेसिकली पहले ताजमहल नहीं बना था, पता क्या बना था, एतमाउद्दौला का मकबरा बना था, और उसपे संगमरमर के पत्थर लगे हुए हैं, संगमरमर का जो काम है वो पहले एतमाउद्दौला के मकबरा में हुआ, फिर शाहजहां ने इंस्पायर होके उस काम को इसमें कराया था ताजमहल। और एक और खास बात बताऊं, हमारे सोशल मीडिया पे ये फेमस हो रहा है राम मंदिर पे, जैसे कि जो जिन्होंने बनाया है वर्कर्स ने, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनपे फूलों की वर्षा की है, जो वर्कर्स थे जिन्होंने वो बनाया है, तो उसमें ये फेमस हो रहा है, मीम के ताजमहल के वर्कर्स को तो मार दिया गया था, तो दिस इज नॉट ट्रू टू बी वेरी यू नो, कि ये सारी जो सोर्सेस है ये हमारे हिस्ट्री में लिखे हुए हैं, जैसे कि रोमिला थापर है, सतीश चंद्रा, बिपिन चंद्रा है, जिनकी किताबें हम पढ़ते हैं, हिस्टोरियंस है, बहुत रेनाउंड हिस्टोरियंस है, इन्होंने लिखा है,
ये कहानी सिर्फ ताजमहल के तरफ टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए बनाई गई थी कि इसको बनाने के बाद उनके हाथ काट दिए गए, लेकिन उन्हीं सेम वर्कर ने लाल किला बनाया था, ठीक है, उन्हीं सेम वर्कर। हाँ, तो जैसे ही शाहजहां को जब उनकी डेथ हो गई थी और उसके बाद ताजमहल बन के तैयार हो गया, तो उन्होंने तुरंत वो वर्कर दिल्ली में भेज दिए थे कि वहां महल बनाइए, हम यहाँ से कैपिटल शिफ्ट करेंगे। और उसमें 1638 में शाहजहां ने यहाँ से आगरा से दिल्ली आ गए, तो उन्हीं सेम जो वर्कर हैं उन्होंने वो बनाया है, क्या बोलते हैं, लाल किला। और भी बहुत सारी इमारतें उन्होंने बनाई है, तो उनके हाथ नहीं कटवाए गए थे, उन्होंने काम किया था बेसिकली। तो ये जो मिस इन्फॉर्मेशन है ये किसने फैलाई है, ये बेसिकली आगरा में जो ताजमहल के पास गाइड रहते हैं, जो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए कहानी बनाई थी कि उन्होंने उनके हाथ कटवा दिए थे, बट दिस इज नॉट ट्रू। और इवन जो ताजमहल को ये कहा जाता है दिस इज अ सिंबल ऑफ लव, प्यार का वो था निशानी, क्या कहते हैं, प्यार की निशानी है ना, ऐसे कहते थे सिंबल ऑफ लव, तो दैट वाज नॉट अ सिंबल ऑफ लव। अपने 13वें बच्चे को जन्म देते हुए जो मुमताज थी उनकी डेथ हो गई थी, तो दिस वाज नॉट अ लव एट ऑल, है ना, तो ऐसा तो कुछ था ही नहीं। और उस समय शाहजहां युद्ध पे थे जब उनकी बच्चे को जन्म देते हुए डेथ हो गई थी, तो मकबरा बनाना एक सिग्निफिकेंस होता था राजाओं के लिए, मसोलियम बनाते थे। और स्पेशली इन मुगल्स ये चीज देखी गई है, हुमायूं का मकबरा या सिकंदरा में अकबर का मकबरा है, तो मकबरा इज अ सिग्निफिकेंस कि उस पर्सन को रेस्ट पीस देने के लिए। जैसे कि सब धर्म में अलग अलग होता है ना, कि हिंदूज में तो जला दिया जाता है चिता पे, ठीक है, उसकी अस्थियों को फिर कहाँ पे गंगा में प्रवाहित करते हैं, तो वो एक वो होता है ना श्रद्धांजलि देना, तो सेम ऐसे ही इन मुगल श्रद्धांजलि जो होती थी वो मकबरे में होती थी, कि जिसका मकबरा होता था उसकी सिग्निफिकेंस ज्यादा होती थी, तो वहां पे मकबरे बनते थे, बस इतना था। वो लव वगैरह वो कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है, वो किंग था, उसकी बहुत सारी रानियां थी, उसमें से एक मुमताज महल थी जो उसको पसंद थी, बस इतना था। तो दिस इज नॉट द ट्रू थिंग। और लखनऊ आपको पता ही है नवाबों का शहर रहा है, बेगम हजरत महल जो 1857 की क्रांति में जिन्होंने पार्ट लिया वो यहीं से थी, लखनऊ से। और यहाँ कुछ वो भी बने हुए हैं इमामबाड़ा, उन्होंने इमामबाड़ा बनाए, देखे बड़ा इमामबाड़ा छोटा इमामबाड़ा, कुछ इमामबाड़ा भी बने हुए हैं। चित्रकूट आपको पता ही होगा, चित्रकूट कौन सी जगह है याद करो, अयोध्या से उससे रिलेटेड है, रामायण से। चित्रकूट याद आया, क्या सिग्निफिकेंस है चित्रकूट का, किसी को नहीं याद आ रहा। अरे भगवान राम से भरत यहीं पे तो मिले थे, याद नहीं आ रहा। जब भगवान राम चले गए थे वनवास के लिए और भरत जब वापस आए थे राज्य में अपने ननिहाल से लौटकर, उन्होंने को पता चला कि भाई को तो वनवास दे दिया है और पिताजी की डेथ हो गई है, ठीक है, तो वो मिलने जाते हैं चित्रकूट भगवान राम से कि भाई वापस चलो लेने के लिए, लेकिन भगवान राम कहते हैं कि पिताजी की आज्ञा है मैं नहीं जा सकता। तो फिर वो उनकी खड़ाऊ वहीं से भी लेके जाते हैं, जब खड़ाऊ लेके जाते हैं और सीट के पास रखते हैं, उसी पे वो करते हैं, सीट पे गद्दी पे नहीं बैठते भरत, जो जब तक वो 14 साल तक नहीं लौटते, तो खड़ाऊ ही उनकी भगवान राम की वहां पर रखकर राज्य चलाया था उन्होंने, ये याद नहीं आया चित्रकूट। तो चित्रकूट इसलिए फेमस है, ठीक है। फिर आता कुशीनगर, कुशीनगर देखिए वो जगह है जहाँ पे जो महावीर जैन है उनकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर में, ठीक है। और सारनाथ मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है, सारनाथ क्यों फेमस है पता है तुम्हें, भगवान बुद्ध ने पहला ज्ञान सारनाथ में दिया था, पहला उपदेश यहीं पर दिया था, सारनाथ कहाँ पर है, वाराणसी। तो ये कुछ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है जो आपको याद रखनी है कि यहाँ पे हुआ क्या था, ऐसी आइडिया भी होना चाहिए। और फिर अगर हमें उसके पीछे की स्टोरी याद रहती है ना, तो वो हमें पूरी चीज याद रहेगी, वो पूरी कहानी हमें याद रहेगी। मेरठ की अगर हमें स्टोरी याद रहेगी तो हमें याद रहेगा मेरठ को क्रांति द्वार क्यों कहते हैं, है ना। तो ये चीज है, इस चीज को याद रखना, ऐतिहासिक स्थान। और ये हमारा आज का जो सामान्य जो है ज्ञान, इसका उत्तर प्रदेश का ये पूरा हो गया। कल हम इसकी नदियां करेंगे, झीलें भी करेंगे, कोशिश करेंगे कि झीलें भी करी हो जाए, और फिर उसके आगे कुछ चीजें बच जाएंगी जैसे कि बांध इसके कौन कौन से हैं, और भी कुछ चीजें हैं जो टॉपिक है वो हम इसके करेंगे कल, ठीक है। थैंक यू।